नमस्कार, मैं हूं शिवराज सिंह और आप देख रहे हैं मंडी 360। मंडी 360 में हम एक बार फिर हाजिर हैं मंडी के ताजा भाव के साथ। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जानेंगे मध्य प्रदेश में गेहूं और सरसों का आज का मंडी भाव क्या रहा। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में गेहूं के भाव की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में आज गेहूं का न्यूनतम भाव 2100 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि अधिकतम भाव 4000 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। वहीं एक दिन पहले यानी 30 जून को मध्य प्रदेश में गेहूं का न्यूनतम भाव 1800 रुपये, जबकि अधिकतम भाव 2625 रुपये प्रति क्विंटल रहा था। तो कल के मुकाबले अगर आज देखें तो मध्य प्रदेश में गेहूं के भाव में एक बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में सरसों के भाव की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में आज सरसों का न्यूनतम भाव 3590 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि अधिकतम भाव 6176 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। वहीं एक दिन पहले यानी 30 जून को मध्य प्रदेश में सरसों का न्यूनतम भाव 4200 रुपये, जबकि अधिकतम भाव 5760 रुपये प्रति क्विंटल रहा था। तो कल के मुकाबले अगर आज देखें तो मध्य प्रदेश में गेहूं के बाद सरसों के भाव में भी उछाल दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में सबसे पहले गेहूं का भाव जान लेते हैं। तो राजस्थान में आज गेहूं का न्यूनतम भाव 2150 रुपये, जबकि अधिकतम भाव 3200 रुपये प्रति क्विंटल रहा था। जबकि 30 जून को यानी एक दिन पहले राजस्थान में गेहूं का न्यूनतम भाव 2400 रुपये, जबकि अधिकतम भाव 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहा था। तो कल के मुकाबले अगर आज देखें तो राजस्थान में भी गेहूं के भाव में उछाल आया है। राजस्थान में सरसों के भाव की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में आज सरसों का न्यूनतम भाव 5100 रुपये, जबकि अधिकतम भाव 6000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जबकि एक दिन पहले यानी कि 30 जून को राजस्थान में सरसों का न्यूनतम भाव 4700 रुपये, जबकि अधिकतम भाव 6000 रुपये ही था। तो कल के मुकाबले अगर आज देखें तो राजस्थान में अधिकतम भाव में सरसों के में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। राजस्थान में के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले गेहूं का भाव जान लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो गेहूं का न्यूनतम भाव है वो लगातार 2275 रुपए के आसपास बना हुआ है। और यहाँ ये भी बता दें आपको कि सरकार ने जो देश में गेहूं की MSP तय की है वो 2275 रुपए है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गेहूं का न्यूनतम भाव है वो 2275 रुपए यानी कि MSP के बराबर बना हुआ है। वहीं अधिकतम भाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गेहूं के भाव में पिछले दो दिन में हल्का सा उछाल दर्ज किया गया है। यानी कि 30 जून को उत्तर प्रदेश में गेहूं का अधिकतम भाव 2570 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं एक दिन बाद यानी कि आज जो उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव वो 2590 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं के भाव में हल्का सा उछाल आया। उत्तर प्रदेश में सरसों के भाव की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आज सरसों का न्यूनतम भाव 5100 रुपये, जबकि अधिकतम भाव 5800 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। जबकि एक दिन पहले यानी 30 जून को उत्तर प्रदेश में सरसों के भाव जो न्यूनतम भाव था वो 5180 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि अधिकतम भाव 6600 रुपये प्रति क्विंटल रहा था। तो कल के मुकाबले आज देखें तो उत्तर प्रदेश में सरसों के भाव में एक बड़ी गिरावट आई है। ये तीन राज्यों के मंडी भाव हमने गेहूं और सरसों का आपको बताया। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि भाव जो हमने आपको बताए हैं ये हमने सरकारी वेबसाइट AGMarkNet से लिए हैं और आप तक पहुँचाए हैं। इस वेबसाइट पर हर दिन सरकार की ओर से गेहूं और सरसों के मंडी भाव और अन्य फसलों के भी मंडी भाव अपडेट किए जाते हैं, वहीं से हमने आप तक पहुँचाए। आपके यहाँ मंडियों में सरसों और गेहूँ के भाव में अंतर हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। आप हमें अपने यहाँ के मंडी भाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। कल फिर मिलेंगे मंडी के ताज़ा भाव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।